आपके अद्वित के ज्ञान में आपके नाम एक और ज्ञान जो है एक कंटिन्यूएशन मेरी सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सीरीज का। तो आज हम जानेंगे माचू पिचू द लॉस्ट सिटी ऑफ इनका के बारे में। तो आइए जानते हैं इसे सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में क्यों रखा गया है। माचू पिचू का मतलब होता है क्वेंचा में ओल्ड पीक या ओल्ड माउंटेन, और माचू पिचू को एक माउंटेन पीक पे ही बनाया गया है। सी लेवल से 7000 फीट की से ज्यादा की ऊंचाई पे एंडेस माउंटेन पे माचू पिचू को बनाया गया है, और ये पेरू की सबसे ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये सिटी करीब करीब 500 साल तक दुनिया से छुपी रही, जब तक कि 1911 में प्रोफेसर एच बिंगम ने इसे ढूंढ के इसके ऊपर एक बुक नहीं लिखी द लॉस्ट सिटी ऑफ इनका, तब दुनिया को इसके बारे में पता चला। इस सिटी में करीब करीब 150 बिल्डिंग्स हैं और 100 स्टेयर केसेस हैं। इस सिटी में जितने भी रॉक्स हैं उसमें से एक रॉक का भी अगर वजन ले तो वो 50 पाउंड्स का होगा, और इन रॉक्स को उठाने के लिए कोई भी व्हील्ड व्हीकल को यूज नहीं किया गया है। आज भी एक मिस्ट्री है कि इन 50 पाउंड्स के रॉक्स को कैसे उठा के एक सिटी में बनाया गया था। माचू पिचू की बिल्डिंग्स को का जो स्ट्रक्चर्स हैं उसे अश्लर नामक एक टेक्निक से बनाया गया है। इस टेक्निक में रॉक्स को इस तरह से काट के जोड़ा जाता है कि इन रॉक्स के बीच में नाइफ की एक ब्लेड भी नहीं घुस सकती। माचू पिचू के बारे में कई थ्योरीज हैं, उनमें से कुछ हैं कि माचू पिचू एक सेरेमोनियल सेंटर, सीक्रेट सेरेमोनियल सेंटर था, या फिर वो इनका का कोई रॉयल एस्टेट था। यहाँ पे दुआता नामक पवित्र पत्थरों को इतने सटीक तरह से रखा गया है कि साल में दो बार जब उनके ऊपर सूरज सीधा बैठता है लेकिन उनकी परछाई नहीं बनती। स्पैनिश कॉन्क्वेस्ट में ज्यादातर इनका सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन माचू पिचू की हिडन लोकेशन की वजह से ये प्रिजर्व्ड रहा। 1983 में माचू पिचू को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया और 2007 में इसे सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल कर दिया गया। तो ये थे कुछ क्विक फैक्ट्स माचू पिचू द लॉस्ट सिटी ऑफ इनका के बारे में। अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और घंटी बजाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।